हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और ये आपकी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। चलिए हमारा आज का जो क्वेश्चन है शुरू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गांधीनगर के अंदर। वेयर डिड द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होल्ड? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो सेना कमांडरों का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे एनुअली? तो किस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस भाषा को किस दिन को मनाया जाता है? अप्रैल 20 को। कल मैंने एक आपको बताया था कि 20 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, कौन सा लैंग्वेज डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन का? 20 मार्च को, ये 20 अप्रैल है। तो इस तरह से थोड़ा सा लिंक क्रिएट करो तभी एक सीरीज का फायदा रहता है आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सीरीज का अब तक का। द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज पर वर्ल्ड बैंक फॉर 2022 इज एस्टिमेटेड एट विच परसेंट? तो विश्व बैंक के अनुसार 2022 के विश्व अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर अनुमान किस प्रतिशत पर अनुमानित है? अब ये जो जीडीपी पूछी गई है किसकी पूछी गई है? विश्व अर्थव्यवस्था की। पहले क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी की जो है ग्रोथ रेट जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो कितनी यहां पर बताई गई है देख लीजिए, 3.2%, 3.2%। इंडिया फर्स्ट इंटरनेट रेडियो रेडियो अक्ष फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया रशिया समिट 2021 हैज हेल्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था? तो किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। व्हाट इज द थीम फॉर द फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? तो पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? यहां पर इंडियन ओशियन इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड एपिडेमिक, क्या था यहां पर? हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था और महामारी, ये पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम था। She is a change maker program launched by National Commission for Women. Who is the chairman of the National Commission for Women? तो कौन है चेयरमैन? रेखा शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। Who among the following has won the 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? यहाँ पर 57वां पूछा गया, ये याद रखना कि कहीं 56वां भी पूछ सकता है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपसे पूछ सकता है। तो 57वां जीता है दामोदर मौजो ने, और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसने जीता है? ये यहाँ पर नीलमणि फुकन जूनियर ने, नीलमणि फुकन जूनियर ने, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, अगर आपको चाहिए हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए या फिर एचएसएससी एग्जाम्स के लिए, वो अवेलेबल है बाइलिंगुअल जैसे आपका एग्जाम रहता है। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है एचसीएस के लिए, और इसके अलावा एचएसएससी सीईटी के लिए भी अवेलेबल है। आप लोग जो है ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके। शॉर्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, आपको एनसीईआरटी की जीएसटी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग जो है पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल्ड गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया? तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक अभी किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र झा के द्वारा। नाम याद रख लेना इसका, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टाइटल्ड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ जो है एक शीर्षक से एक अभियान शुरू किया गया है, तो ये किस बीमा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है?
SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है। विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वीर बाल दिवस बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस घोषित किया है, या फिर किस तारीख को वीर बाल दिवस घोषित किया या फिर मनाने की घोषणा की है? तो दिसंबर 26 को, जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बच्चों की शहीदी के दिन पर जो है ये वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज गेट द गवर्नमेंट पासपोर्ट प्रोजेक्ट वर्थ $1 बिलियन? निम्नलिखित में से किस कंपनी को सरकार का $1 बिलियन का पासपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो किस कंपनी को मिला है ये? TCS को। और एक और क्वेश्चन यहां से जो बन जाता है, सिखों के पहले गुरु का नाम, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिखों के पहले गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? ऐसी चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हिस्ट्री में आप लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द असेंबली पोल्स शेड्यूल्ड फॉर गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो चुनाव आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के निर्धारित विधानसभा चुनावों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। नेशनल मेमोरियल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन 2022? तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस 2022 में किस तारीख को मनाया जा रहा है? किस तारीख को मनाया जा रहा है? 30 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय स्मृति दिवस। द FIEO हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन विच ईयर? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। FIEO ने अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। किस वर्ष फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी? FIEO की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 के अंदर। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। CCEA हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट हाउ मच स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL? तो CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की कितने हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी है? अब CCEA क्या है, इसके पास क्या अथॉरिटी है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इन्होंने अब डिसाइड किया कितने परसेंट अप्रूवल दे दी है, कितनी हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी इन्होंने भी यहाँ पर दे दी है, 29.5% स्टेक को बेचने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज बीन इनॉगरेटेड एट विच स्टेट यूटी? भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है? कहाँ पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज वन द पर्पल कैप इन IPL 2022? तो IPL 2022 में पर्पल कैप किसने जीती है? किसने जीती है? युजवेंद्र चहल ने। युजवेंद्र चहल ने जो है पर्पल कैप जीती है IPL 2022 में। ऐसे क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं और काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में। जिनका इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर उनको तो ये सारी चीजें वैसे ही पता है, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको फिर कहीं ना कहीं इनको करंट अफेयर के अंदर पढ़ना पड़ता है, कवर करना पड़ता है और फिर याद भी करना पड़ता है। तो ये कई बार स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम का विषय हो जाता है। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको जो है प्रीवियस करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट दी गई है। जनरल स्टडीज की आप लोगों ने अगर रिवीजन करनी है तो वहां पर जनरल स्टडीज रिवीजन के लेक्चर्स दिए गए हैं। आप लोग जो है 20 लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उन 20 लेक्चर्स में से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर पढ़ाया, इंग्लिश के अंदर सारा कंटेंट है, और हिंदी के अंदर उसमें जो है पढ़ाया गया, हिंदी के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है।
तो आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को इसका लिंक ना मिले तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 9896160956 की, सर हमें वो वीडियोस नहीं मिल रहे, जो 20 वीडियोस आप कह रहे हो, तो आप प्लीज हमें वो लिंक शेयर कर दो, तो आपको वो जो है लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और सारी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।